नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रूसी वैक्सीन का WHO ने मांगा प्रूफ। रूस वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, लेकिन रूसी वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया जा रहा। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी शक जता दिया है और प्रूफ की मांग कर दी है। खबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस से वैक्सीन के बारे में कई जानकारी मांगी है। WHO ने रूसी सरकार से वैक्सीन के बारे में रिसर्च जारी करने को कहा है। वहीं अमेरिका ने भी वैक्सीन को संदेहजनक बता दिया है। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संक्रमण का टीका विकसित करना कोई प्रथम स्थान प्राप्त करने की प्रतियोगिता नहीं है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में वर्षा और वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। बुधवार को जारी चेतावनी के अनुसार दुमका, देवघर, रांची जिलों में मेघ गरज के साथ वर्षा और वज्रपात हो सकता है। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर बताया कि लोग सतर्क एवं सावधान रहें, अपने अपने घरों में ही रहें। मौसम केंद्र ने किसानों को विशेष रूप से सलाह दी है कि वे खेत में न जाएं, मौसम सामान्य होने के बाद ही अपने खेतों में जाएं। सरकारी स्कूली छात्रों को 48 दिनों के कुकिंग कास्ट की राशि मिलेगी। झारखंड में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को 48 दिनों का मिड डे मील का चावल, कुकिंग कास्ट और अंडा फल की राशि दी जाएगी। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए बच्चे को यह मिल सकेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि 1 से 5वीं के छात्र छात्राओं के लिए 4 किलो 800 चावल व 238 रुपये कुकिंग कास्ट के साथ 102 रुपये अंडा या फल के लिए, जबकि 6 से 8 के छात्रों के लिए 7 किलो 200 चावल व 357 रुपया कुकिंग कास्ट मिलेंगे। झारखंड में आज 679 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो पूर्वी सिंहभूम 177, रांची 119, देवघर 53, धनबाद 41, सरायकेला 36, बोकारो 35, सिमडेगा 34, पश्चिमी सिंहभूम 31, लातेहार 26, गुमला 15, खूंटी, लोहरदगा, गिरिडीह व गोड्डा से 12-12, कोडरमा से 11, गढ़वा, हजारीबाग से 10-10, साहेबगंज से 9, दुमका व जामताड़ा से 6-6, पलामू, रामगढ़ से 5 और पाकुड़ से 2 संक्रमित मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 20,257 है, जबकि 12,197 लोग स्वस्थ हुए और 202 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 23,95,471 है, जबकि 16,95,860 लोग स्वस्थ हुए और 47,138 की मृत्यु हो गई। राज्य में जमशेदपुर से 5, धनबाद से 1, हजारीबाग से 1, रांची से 1 की मौत हुई है। बता दें कि राज्य में रिकॉर्ड पहली बार 1567 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ हुए मरीज इस प्रकार हैं: धनबाद से 274, गोड्डा से 285, रांची से 156, पूर्वी सिंहभूम से 111, पश्चिमी सिंहभूम 88, पाकुड़ से 90, चतरा से 63, देवघर 63, सरायकेला 57, साहेबगंज 53, गुमला 52, लातेहार 51, पलामू 40, हजारीबाग 27, बोकारो से 27 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। बता दें कि राज्य में रिकवरी रेट 60.21 पहुँच चुका है। CRPF और CISF के जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया। रिम्स में तैनात CRPF जवान ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। उन्होंने मेडिका में भर्ती गंभीर संक्रमित मरीज का जीवन बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट किया। उधर CISF के पतरातू बल के 2 जवानों ने रिम्स में अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। बता दें कि CISF के SI और DCPO ने मेडिका अस्पताल में इलाजरत डॉक्टर के लिए प्लाज्मा दान किया है। किसानों की कर्ज माफी पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों की कर्ज माफी के लिए किया गया है। कृषि विभाग की ओर से नियमावली तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में मीडिया को सवाल के जवाब देते वक्त कही है। उन्होंने बताया कि राज्य के काफी संख्या में किसान बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण डिफॉल्टर हो चुके हैं। इस पर CM ने कहा कि जल्द ही इस समस्या का निदान होगा और उनके कर्ज माफ किए जाएंगे। झारखंड की सब्जियां आज भेजी जाएंगी विदेश। झारखंड की सब्जियां विदेश भेजी जा रही है, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज कोलकाता से रांची और जमशेदपुर के किसानों की उत्पादित सब्जियों को विदेश भेजा जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान बनेगी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। आपको बता दें कि झारखंड की सब्जियां विदेशी थैलियों की शोभा बढ़ाएगी। यहां से सब्जियों को विदेश भेजने की तैयारी कर ली गई है। झारखंड से पहले चरण में सब्जियां दुबई, ओमान, कुवैत और सऊदी अरब भेजी जाएंगी। मानव तस्करी रोकने के लिए झारखंड के जिलों में विशेष थाने खुलेंगे।
भारत सरकार की पहल पर मानव तस्करी रोकने के लिए निर्भया फंड से सभी जिलों में एंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने खोले जाएंगे। गृह विभाग के आदेश पर राज्य पुलिस के सीआईडी एडीजी ने इस संबंध के सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। बता दें कि वर्तमान में झारखंड के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए फंड से गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, दुमका, रांची, चाईबसा, लोहरदगा और पलामू में थाने खोले गए थे। अब लातेहार, साहिबगंज, गोड्डा और गिरिडीह में थाने खोले जाएंगे। डीईओ ऑफिस में फर्जी भर्ती, कोल्हान यूनिवर्सिटी में आवेदन शुरू। डीईओ कार्यालय में 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास को नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला गया है। यह भर्ती झारखंड सरकार भर्ती नामक फेसबुक आईडी पर निकाला गया है। भर्ती का प्रकार संविदा पर होने की बात कही गई है, वही मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू देकर नौकरी पाने की बात कही गई है। इस मुद्दे पर रांची डीईओ अरविंद ने कहा कि कोई वैकेंसी विभाग की ओर से नहीं निकाली गई है, यह भर्ती फर्जी है। उधर कोल्हान यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एमबीए, बीबीए, बीएससी, आईटी, बीसीए के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पलामू में पुलिस व टीएसपीसी उग्रवादी के बीच मुठभेड़। पलामू के मनातू और चतरा के सीमावर्ती इलाके में पुलिस और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के दबिश से उग्रवादी पीछे हट गए। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च अभियान में पुलिस ने कई हथियार व नक्सली सामग्री बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का दस्ता मनातू के इलाके में है। इसी सूचना के आलोक में जगुआर व पुलिस ने अभियान शुरू किया। 5000 मनरेगा कर्मी सीएम को सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे एवं धनबाद के जिला अध्यक्ष मुकेश राम की बर्खास्तगी से आक्रोशित मनरेगा कर्मचारियों ने हड़ताल पर डटे रहने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, कर्मचारी संघ की ओर से अभी घोषणा की गई है कि यदि बर्खास्त साथियों की सेवा वापस नहीं होती है तो राज्य भर के 5000 मनरेगा कर्मी मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। श्रमिक योजना लॉन्च करेंगे हेमंत सोरेन, 100 दिन काम नहीं तो मिलेगा रोजगारी भत्ता। राज्य सरकार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेगी। इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रेषित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका विधिवत ऐलान करेंगे। इस योजना में सर्वाधिक ध्यान रोजगार से जुड़े प्रस्ताव पर है। गौरतलब है कि संक्रमण संकट काल में प्रवासी श्रमिकों की वापसी के बाद राज्य सरकार का सबसे ज्यादा फोकस उन्हें पलायन से रोकने और गांव घर में ही रोजगार देने पर है। झारखंड में मनरेगा के अंतर्गत काम पाने वाले 4 लाख से अधिक श्रमिक। मनरेगा कर्मचारियों के हड़ताल की अवधि में श्रमिकों से सीधे संवाद को लेकर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू किए गए बोले मजदूर अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। राज्य भर में मनरेगा के अंतर्गत काम पाने वाले श्रमिकों का आंकड़ा 4 लाख से अधिक पहुंच गया है। डीजीपी पद से हटाने के मामले में यूपीएससी ने झारखंड सरकार से मांगा जवाब। झारखंड के डीजीपी के पद से महज 9 महीने के भीतर आईपीएस कमल नयन चौबे को हटाए जाने के मामले में संघ लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी राज्य में डीजीपी के पद पर एक आईपीएस अधिकारी को कम से कम 2 साल के लिए रहना है। ऐसी क्या परिस्थिति सामने आई है कि एक वरिष्ठ व निर्विवाद पुलिस अफसर को महज 9 महीने के भीतर ही पद से हटा दिया गया। राज्य सरकार से मिलने वाले जवाब की यूपीएससी समीक्षा करेगी। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन नहीं चला सकेंगी महिलाएं। अब महिलाएं अपने जुल्फ लहराते हुए गाड़ी नहीं चला सकेंगी, उन्हें हर हाल में हेलमेट पहनना ही होगा। ट्रैफिक एसपी ने महिलाओं की चेकिंग के लिए शक्ति कमांडो को लगाया है। यह शक्ति कमांडो बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाने वाली महिलाओं को पकड़कर उनका चालान काटेंगे, साथ ही उनकी काउंसलिंग करेंगे कि उनके बाल एक्सीडेंट होने पर उन्हें नहीं बचाएंगे, एक्सीडेंट होने पर हेलमेट उन्हें बचाएंगे, इसलिए वह हेलमेट जरूर पहने। रिम्स में मरीज के इलाज में लापरवाही से सीएम नाराज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित रिम्स अस्पताल में बेड से गिरकर एक मरीज की तत्काल मदद नहीं करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को इसका संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने रिम्स प्रबंधक को आग्रह किया है कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो, यह सुनिश्चित करें।
दूध उत्पादन क्षेत्र में झारखंड बनेगा आत्मनिर्भर। मंत्री झारखंड कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जन्माष्टमी के मौके पर रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी कार्यालय में बुधवार को संजीवनी हर्बल वाटिका और मेधा खीर मिक्स लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को दूध काफी पसंद थे और उनके द्वारा चोरी चोरी भी उनके सेवन की कहानियां प्रचलित हैं। जन्माष्टमी के मौके पर मेधा डेयरी ने भी चोरी चोरी चुपके से कम कीमत पर आम जनों के लिए मेधा खीर मिक्स नामक नए उत्पाद ग्राहकों को उपलब्ध कराने का एक सराहनीय प्रयास किया है। हिंदी लघु फिल्म गिल्ट रिलीज। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर बुधवार को एमबी प्रोडक्शन के बैनर तले एक हिंदी फिल्म गिल्ट रिलीज किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रांची के सांसद संजय सेठ और राष्ट्रीय कला मंच झारखंड के संयोजक आशुतोष द्विवेदी ने सांसद आवास पर केंद्र सरकार जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लैपटॉप का बटन दबाकर ऑनलाइन यूट्यूब पर रिलीज किया। अलविदा राहत इंदौरी साहब। मुख्यमंत्री उर्दू के मशहूर शायर और गीतकार राहत इंदौरी साहब के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा, परमात्मा राहत साहब की आत्मा को शांति प्रदान कर परिवार को दुख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। झारखंड के 17 जिलों में सामान्य से कम बारिश। झारखंड में लगातार हो रही वर्षा के बावजूद कम से कम 17 जिला ऐसे हैं जहाँ पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। तीन जिला गुमला देवघर खुट्टी में 40 से 52 फीसदी तक कम वर्षा हुई है। गुमला जिला में आमतौर पर 1 जून 2020 से 12 अगस्त 2020 की सुबह 8 बजे तक 703 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन इस वर्ष इस अवधि में मात्र 339 फीसदी बारिश हुई है। बता दें कि देवघर, रांची, खुट्टी, पाकुड़ और सरायकेला खरसावां के साथ साहिबगंज में भी कम बारिश हुई है। रामगढ़ में फुटपाथ दुकानदारों ने विधायक से सहायता की गुहार लगाई। लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान रामगढ़ छावनी परिसर क्षेत्र में फुटपाथ के दुकानदारों को दुकान लगाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इस मुद्दे को लेकर दुकानदारों ने विधायक ममता देवी से बुधवार को सहायता की गुहार लगाई है। बेरोजगारी पर सरकार की विफलता से बढ़ेगी आपराधिक घटनाएं। नीतीश सिंह। देश और राज्य में बेरोजगारी दर बढ़ते हुए विकराल रूप लेती जा रही है। इस महामारी के दौरान राज्य के लाखों युवा बेरोजगार हो गए हैं। आजसू का मानना है कि बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को तत्काल प्रभावी उपाय करने चाहिए। उक्त बातें आजसू के नीतीश सिंह ने बुधवार को कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आयोजित एक ऑनलाइन परिचर्चा में आजसू का प्रतिनिधित्व करते हुए संबोधित के दौरान कहा है। खूंटी के पुलिस अवर निरीक्षक को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री पदक। खूंटी जिला बल के पुलिस अवर निरीक्षक पुष्प राज कुमार को वर्ष 2020 में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने पदक के लिए 12 अगस्त को जो सूची जारी की है उसमें झारखंड के 2 पुलिस अधिकारी का नाम सम्मिलित है। उसमें एक खूंटी के पुलिस अवर निरीक्षक पुष्प राज कुमार और दूसरे प्रदेश का DSP नीरज कुमार हैं। स्कूल फी माफ को लेकर अभिभावकों ने किया हंगामा। स्कूल का ट्यूशन फीस माफ करने को लेकर बुधवार को जामताड़ा के एडवर्ड स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। ज्ञात हो कि एडवर्ड इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों ने स्कूल फी आधा माफ करने की मांग की। यही नहीं, अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधक पर मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अभिभावकों ने ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर महज खाना पूर्ति करने तथा सरकार के रोक के बावजूद भी स्कूल फी बढ़ाने का आरोप लगाया है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।